दोस्तों मूवी भूल भुलैया 3 और मूवी सिंघम अगेन, ये दोनों ही मूवी रिलीज के आज पूरे 4 दिन कंप्लीट हुआ है और इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे सिंघम अगेन और मूवी भूल भुलैया 3 के 4 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। आपसे उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें कार्तिक आर्यन स्टारर मूवी हॉरर मूवी भूल भुलैया 3 के बारे में, तो दोस्तों भूल भुलैया 3 के कलेक्शन हिस्टोरिकल कहा जा सकता है, बहुत बढ़िया है। मूवी का टोटल बजट है पूरे 150 करोड़, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होने से पहले भी इस मूवी ने मूवी के डिजिटल सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स को बेस के, यानी मूवी को ऑनलाइन OTT स्ट्रीमिंग राइट्स, सैटेलाइट मींस मूवी को TV पे दिखाने के राइट्स और इस मूवी के म्यूजिक राइट्स को बेस के 135 करोड़ का रिकवरी रिलीज के पहले ही कर लिया था। यानी दोस्तों मूवी भूल भुलैया 3 ने अपने रिलीज के पहले ही 90% बजट को रिकवरी कर लिया था। और आफ्टर रिलीज कलेक्शन की बात करें, थिएटरिकल कलेक्शन की बात करें, तो दोस्तों मूवी रिलीज का 4th दिन है आज, लेकिन भूल भुलैया 3 ने अपने शुरुआती 3 दिनों में, यानी फ्राइडे को रिलीज हुआ था, 1 नवंबर को, फ्राइडे सैटरडे संडे, इन 3 दिनों में टोटल इंडिया पे नेट कलेक्शन कर लिया है पूरे 110 करोड़ 20 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों मूवी भूल भुलैया 3 ने अपने शुरुआती 3 दिनों में टोटल नेट कलेक्शन कर लिया था इंडिया पे पूरे 110 करोड़ 20 लाख रुपए। बात करें दोस्तों मूवी के 4th दिन के कलेक्शन की, यानी आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों आज मंडे है तो कलेक्शन में ड्रॉप देखने को मिलते हैं क्योंकि आज वर्किंग डे है। और रिपोर्ट के जानकारी के मुताबिक मूवी भूल भुलैया 3 आज अपने 4th दिन पे जो इंडिया पे नेट कलेक्शन करने लगा है पूरे 12 करोड़ का। और इसी के साथ दोस्तों मूवी भूल भुलैया 3 के 4 दिनों का टोटल इंडिया पे नेट कलेक्शन होते हैं पूरे 122 करोड़ 20 लाख रुपए, जबकि दोस्तों इन 4 दिनों का टोटल इंडिया पे ग्रॉस कलेक्शन होते हैं मूवी भूल भुलैया 3 के पूरे 146 करोड़। और इन 4 दिनों में टोटल कलेक्शन आया है ओवरसीज मार्केट से, यानी इंडिया के बाहर से, पूरे 37 करोड़ का। यानी कार्तिक आर्यन स्टारर मूवी भूल भुलैया 3 ने अपने इन शुरुआती सिर्फ 4 दिनों में ही टोटल वर्ल्ड वाइड कमाई कर लिया है पूरे 182 करोड़ का, 182 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों यही है भूल भुलैया 3 के 4 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है पूरे 182 करोड़ रुपए। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें सिंघम अगेन इस मूवी के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों सिंघम अगेन के भी कलेक्शन हिस्टोरिकल हैं। सिंघम अगेन मूवी के टोटल बजट है पूरे 300 करोड़। हालांकि मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने से पहले ही मूवी के डिजिटल सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स को बेस के 200 करोड़ का रिकवरी पहले ही कर लिया था रिलीज के पहले। और आफ्टर थिएटरिकल बिजनेस की बात करें, तो दोस्तों मूवी भूल भुलैया 3 ने अपने रिलीज के पहले दिन इंडिया पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 43 करोड़ 70 लाख रुपए, अपने दूसरे दिन पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 44 करोड़ 50 लाख, और अपने तीसरे दिन पे कल संडे को इस मूवी ने इंडिया पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 35 करोड़ 75 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों मूवी के 4th दिन के कलेक्शन की, यानी आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों आज मंडे होने के कारण कलेक्शन में ड्रॉप देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो कलेक्शन आज होने लगे हैं आउटस्टैंडिंग है। सिंघम अगेन अपने 4th दिन पे, यानी आज मंडे को इंडिया पे जो नेट कलेक्शन करने लगा है दोस्तों पूरे 13 करोड़ का। और इसी के साथ दोस्तों मूवी सिंघम अगेन के 4 दिनों का टोटल इंडिया पे जो नेट कलेक्शन होते हैं पूरे 137 करोड़ 95 लाख रुपए, जबकि दोस्तों इन 4 दिनों का टोटल इंडिया पे ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है पूरे 175 करोड़। और इन 4 दिनों में टोटल कलेक्शन आया है ओवरसीज मार्केट से, यानी इंडिया के बाहर से, पूरे 38 करोड़। यानी अजय देवगन स्टारर मूवी सिंघम अगेन ने अपने इन 4 दिनों में टोटल जो वर्ल्ड वाइडली कमाई कर लिया है पूरे 213 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों यही है सिंघम अगेन मूवी के 4 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइडली कलेक्शन जो की हो चुका है पूरे 213 करोड़। तो आपसे उम्मीद है दोस्तों इसी तरह के मूवीज अपडेट वीडियो के लिए, बॉक्स ऑफिस की खबरें के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट पे, टेक केयर, बाय दोस्तों।